आज सुबह के समय एक और बार मिलकर आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के कलीसिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ के आ रहे थे। कलीसिया के सदस्यों का नामीकरण के बारे में हम लोग देख रहे थे। उस नामीकरण में हम लोग भाइयों का हिस्सा देख कर आ रहे थे। कल भी वही हिस्से को हमने देखा, आज भी देखेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 50वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 50। यस, देखो ना वहां पे बताया गया है ये में, जो कोई परमेश्वर का इच्छा है ना, Whoever does the will of God, परमेश्वर की इच्छा को जो कोई पूर्ण करता है वो ही है परमेश्वर का भाई और बहन माता। देखो ना, अगर परमेश्वर के फैमिली में हमारा पहचान भाई बहन या माँ के हिसाब से पहचान आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। ट्राई टू डू द विल ऑफ गॉड, इफ वी स्टार्ट डूइंग द विल ऑफ गॉड, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरू करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, परमेश्वर की राज्य की, नहीं तो परमेश्वर की परिवार में हमें भी योग्यता मिलेगा। हेलो, ये एक यूनिवर्सल ऑफर है। यूनिवर्सल मतलब दुनिया भर के सबके लिए खुला हुआ एक एक हिस्सा है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसीलिए कल हम लोग देख रहे थे यीशु मसीह से मिलने उसके माँ और उसके भाई आए थे, मगर यीशु मसीह उनको उनके साथ उतना समय ना काट कर जो यीशु मसीह का इच्छाओं को पूर्ण कर रहा था उसके उनके लिए परमेश्वर समय ज़्यादा अर्पण करते हुए इधर देख सकते हैं। हेलो, इसीलिए कभी भी यीशु अपना फैमिली सेंटिमेंट वो फुलफिल नहीं किए। हर मनुष्य अपना फैमिली सेंटिमेंट को पूरा करता है, मगर यीशु मसीह अपना फैमिली सेंटिमेंट पूरा नहीं किए, स्पिरिचुअल सेंटिमेंट को, नहीं तो आत्मिक तौर को पूरा करने के लिए देख रहे। इसलिए यीशु मसीह बोले, जो कोई मेरे परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेगा, Whoever does the will of my Father who is in heaven, जो इच्छाएं स्वर्गीय है, जो इच्छाएं परमेश्वर की है, जो इच्छाएं आत्मिक चीज़ें हैं, जो इच्छाएं परमेश्वर से आया हुआ है, परमेश्वर की मकसद की ओर से है, उन चीज़ों को जो कोई पूरा करता है वही है परमेश्वर के फैमिली में एक्सेप्टेड। उन्हीं को परमेश्वर के भाई, उन्हीं को परमेश्वर के बहन, उन्हीं को परमेश्वर के माता के हिस्सा के हिसाब से परमेश्वर क्या करते हैं, स्वर्गीय फैमिली में एडेप्टेशन लेते हैं। हेलो, ब्रिंगिंग अस टू द फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में हमें फिर से वापस मिलवाने का अवसर। इसलिए वहां बताया गया ना, Whoever does the will of God, जो कोई परमेश्वर के इच्छा को पूरा करता है वो परमेश्वर के राज्य का हकदार बनता है, नहीं तो फैमिली में क्या होता है, एडेप्टेड बनता है। Praise the Lord। तो हमें मालूम करना चाहिए, तो ये परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा वो है जो यूहन्ना की सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 39 और 40, जॉन चैप्टर 6 वर्स 39 और 40। यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 39 और 40। फोर्टी 40वां वचन, देखो ना वहां पे, हाँ, वो अनंत जीवन पाए। प्रेज लॉर्ड। देखो वहां पे बताया गया है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा यह है जो कोई उस पर विश्वास करे, हाँ,
दिस इज द विल ऑफ हिम हु सेंट मी दैट ऑल ऑफ देम ही हैज गिवन मी आई लूज नथिंग. जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसको तुम नष्ट मत करो. डोंट लूज इट एवर. हेलो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो कुछ परमेश्वर से मिला है, वचन परमेश्वर से मिला है, पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिला है, कलीसिया परमेश्वर से मिला है, फैमिली ऑफ गॉड परमेश्वर से मिला है, डोंट एवर ट्राई टू लूज इट. उन चीजों को क्या मत करो, अपने हाथ से छोड़ मत दो. जो चीज परमेश्वर हमें दिए हैं, जो चीज परमेश्वर से हमें मिला है, उन चीजों को क्या मत करो, खोवो मत. अगर तुम खोते हो तो तुम परमेश्वर की इच्छा के हिसाब नहीं हो. इफ यू आर लूजिंग इट यू आर नॉट इन द ट्रैक ऑफ द विल ऑफ गॉड. प्रेज़ लॉर्ड. इसीलिए योहन्ना 6 का 439 से लेकर 39 और 40 में बताता क्या है, डोंट लूज व्हाट वी गॉट फ्रॉम गॉड. जो कुछ परमेश्वर से मिला है उसे खोवो मत, क्योंकि परमेश्वर से मिला हुआ चीज बहुमूल्य है, श्रेष्ठ है. उसमें जो योग्यता है उस योग्यता का अवर्णनीय परिस्थिति है. इसलिए वो हमारा जीवन का सब चर्या में वो क्या कर रहा है, कामदायक बन सकता है. शारीरिक, मानसिक, भौतिक सब प्रकार के रीतियों को हमें क्या कर सकता है, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता काटने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ कायम रखने के लिए, हमें परमेश्वर के विषयों में आधारित रखने के लिए सहायक मंद होता है. इसीलिए डोंट एवर ट्राई टू लूज व्हाट यू गॉट फ्रॉम गॉड. जो कुछ भी परमेश्वर के ओर से हमें मिला है उन हिस्सों को क्या मत करो, लूज मत करो. डोंट लूज इट. और लिखा क्या है, मैं तुम्हें नया जीवन दिया हूं. कौन? जो कुछ परमेश्वर से, वट एवर वी रिसीव्ड इट फ्रॉम गॉड, इट गिव्स अस रियल लाइफ, इट गिव्स अस न्यू लाइफ. वो हमें क्या करता है, नया जीवन देता है. पुराना जीवन नहीं, नया जीवन. एक जीवन जो कि परमेश्वर की ओर से, जो कि परमेश्वर के वचन की ओर से, जो कि परमेश्वर की आत्मा की ओर से, जो कि परमेश्वर की नूतनीकरण के हिसाब से मिला हुआ एक अनुभव है. वो नया जीवन परमेश्वर हमको देता है. इसीलिए वो नया जीवन पाने के द्वारा हमें अंतिम दिनों में जी उठने के लिए वो क्या बनता है, हकदार बनता है. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू गिव अस ए राइट टू राइज अप इवन द लास्ट डे. आखिरी दिन में पुनर्वार जी उठने के लिए वो हमें क्या बन सकती है, सहायक मन बन सकते हैं. कौन सा चीज, जो परमेश्वर से मिला हुआ जीवन, जो कुछ भी परमेश्वर से हमें मिला है उन चीजें हमें क्या कर सकते, रिवाइव करने के लिए, नहीं तो फिर से पुनर्जीवित करने के लिए सहायक मन. वो परमेश्वर की इच्छा है. दैट इज द विल ऑफ गॉड. हेलो, हम परमेश्वर के फैमिली में क्यों हमें परमेश्वर के फैमिली में क्यों परमेश्वर योग्यवान करवा दिए, नहीं तो परमेश्वर के फैमिली में हमें योग्यता क्यों दिलवाए, हमारा क्या हमसे, हमें क्यों परमेश्वर आत्मिक चीज़ें दिए, क्यों परमेश्वर हमें गुरुत्व वाले चीज़ें दिए, ताकि हम इस धरती से अलग होने से पहले हम अपनी जीवन के चर्या को क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं. इसीलिए द्वितीय आगमन के समय में, आखिरी दिन के समय में, सब कुछ नष्ट होते समय में भी हमारा जीवन का हिस्सा सिक्योर बना सकते हैं. वो परमेश्वर चाहते हैं, वो है परमेश्वर की इच्छा. और उसके 40वां वचन क्या बताता है, मेरी पिता की इच्छा यह है. हेलो, जो कोई पुत्र को देखे, परमेश्वर का इच्छा क्या है, यीशु मसीह को देखो. सी जीसस, सीक जीसस. हेलो, यीशु को देखो. मेरे साथ में हो? कलीसिया में हमें भाई का शब्द प्रयोग कब किया जाता है, जबकि हम परमेश्वर को देख पाए. नहीं तो देखे कैसे, देखे वचन के आधारित, देखे आत्मा की अभिषेक से, देखे आत्मिकता से, देखे. हेलो, मेरे साथ में हो? जो परमेश्वर का इच्छा क्या है, यीशु मसीह को देखो. सी जीसस, सीक जीसस.
वचन के आधारित हम देख सकते हैं, पुराने नियम में देख सकते हैं, लोगों ने यीशु की वर्णन क्या की, देखी, जानी, पहचानी, जबकि वचन है ही नहीं थी, जब कलीसिया है ही नहीं थी, जब लोग आत्मिक तौर में बने ही नहीं थे, उस जमाने में भी लोग यीशु मसीह को देखते थे। ऐसा है तो नया नियम के चर्या के हिसाब से, नहीं तो नया नियम के हिस्सा के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, वचनों के गहराई से यीशु मसीह को देखना। जरा जो कोई यीशु को देखा है वो कभी भी अपने आत्मिक जीवन से नष्ट नहीं होगा। इसीलिए पौलुस कहता है मैंने यीशु को अपने आंखों से देखा, I saw Jesus with my eyes. वो उसके जीवन में परिवर्तन में लाया, वो उसका जीवन का हिस्सा आत्मिक तौर में लेके चला गया, वो उसकी जीवन की चर्या परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार बने हिस्सा को। हेलो, सी जीसस, परमेश्वर को देखो। उसके बाद क्या बोल रहा है, हेलो, जो देखेगा वही विश्वास करेगा। वचन से देखो, वचन से सुनो, तो ही तुम क्या कर सकते हो, विश्वास कर। क्या बोल के विश्वास करते हो कि यीशु का, यीशु मसीह ही मेरा क्या है, उद्धार करता है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, यू विल रिसीव इटर्नल लाइफ। हाँ है ना, विश्वास करे तो तुम्हें क्या मिलेगा, उसके बाद अनंत जीवन पाए, फिर लो मैं उसे क्या करूंगा, अंतिम दिन फिर से क्या करूंगा, जी उठाऊंगा, जिलाऊंगा। हेलो, आई विल रेज हिम अप। अगर वो मर भी जाता है, सबका सोच विचार है कि मौत के बाद सब खत्म, मगर बाइबल कहती है मौत के बाद सब खत्म नहीं, मौत के बाद सब शुरुआत। After you die, it's a new beginning. Hello. इसीलिए अन्य जाति के लोग मौत के बारे में सुनते ही कांपते, डरते, मगर यीशु मसीह को विश्वास किए हुए लोग, यीशु मसीह को देखे हुए लोग, यीशु मसीह पर आधारित हुए लोग मौत को कभी डरते नहीं। They don't have a fear of dying. हेलो, मेरे साथ में हो। अगर यीशु मसीह को देख कर भी, यीशु मसीह को विश्वास कर कर भी अगर तुम्हारे अंदर मौत की भय है, मौत की डर है, तो कुछ ना कुछ तुम्हारी तुम जो वचन सुन रहे हो उसमें कुछ ना कुछ गलती है। There is something mistake in your word, in the word you have heard. जो messages तुमने सुना है वो तुम्हें मौत से भयभीत कराता है। So there is some problem in your message. तुम्हारे मैसेज में कुछ गलतियां हैं। एक आत्मिक जीवन में चलने वाला व्यक्ति कभी भी मौत से डरेगा नहीं। मौत उसे छू भी लेगा तो भी डरने की कोई बात नहीं। उसका जीवन अनंत जीवन से सिक्योर्ड होने के कारण, वो परमेश्वर के फैमिली में जुड़ित होने के कारण, वो कलीसिया में भाईचारा में आने के कारण, मरता भी है तो उसका जीवन को परमेश्वर क्या कर सकते हैं, पुनर्जीवित करवा सकते हैं, पुनरुत्थानित करवा सकते हैं, पुनर्जीवित करवा सकते हैं। वो हिस्सा परमेश्वर जीवते ही दिए हैं, वो है परमेश्वर की इच्छा, दैट इज द विल ऑफ गॉड। हेलो, अब देखो रोमियो का किताब 8वीं अध्याय उसका 28वां रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28-29। हाँ, हेलो, वहां पे लिखा गया, देखो हमें मालूम है, एक और बार 28वां वचन, हाँ हेलो, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ भला ही उत्पन्न होता है। वो मौत भी है, वो भला ही है,
वो है हमारा कॉन्फिडेंस। हेलो, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सब कुछ भलाई के परिणाम होने वाला है। इट्स अ ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन गॉड। वही है हमारा श्रेष्ठ भरोसा जो कि परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बारे में कंसर्न है। गॉड इज सो कंसर्न अबाउट अस सो दैट हिज प्लान्स विल बी अपॉन अस। उनकी इच्छाएं हमारे जीवन में भले ही होगा, इट विल बी फॉर एवरी गुड रीजन। इसीलिए हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हेलो, अगर किसी विश्वासी को पूछते हैं आपके जीवन में क्या ये नष्ट हुआ, ये कैसा हुआ बोलने से, वो क्या बोलेगा? ये मेरे लिए भलाई हुआ, क्योंकि आयुब कहता है उसके जीवन में सब कुछ नष्ट जब हो गया। वो कहने वाला एक प्रयोग है, परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया, जो कुछ भी हो परमेश्वर की महिमा। वो शब्द बोलने के लिए योब के अंदर, आयुब के अंदर क्या ऐसी चीज थी? हेलो, ऐसा क्या चीज था कि योब को वो ऐसे बोलने के लिए प्रचोदन दिया कि परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की हो महिमा। उसका अर्थ इतना ही है कि वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने वाला एक व्यक्ति था। उसका कॉन्फिडेंस, उसके आधार, हमारा बारांग की आधार की बात नहीं बोल रहा, आश्रय, कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर था। और उसको अच्छी तरीके से मालूम था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ परमेश्वर के कंसर्न से ही हो रहा है। इट इज थ्रू द कंसर्न ऑफ माई लॉर्ड, मेरे परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से, मेरे परमेश्वर के प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले, नहीं कुछ सालों पहले, कुछ एक साल पहले, आंध्रा के एक विश्वासी, बहुत अच्छे विश्वासी थे वो, इतने अच्छे विश्वासी के लिए, परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। मगर ऐसा हुआ, उनकी इकलौती बेटी जो कोई कुछ 17-18-19 साल की एक लड़की, अच्छी ही थी, मगर उसके पेट में कुछ डिफेक्ट आने के कारण, नहीं तो इन्फेक्शन होने के कारण, जो खाना उसने खाई उन खानों के द्वारा उसको पेट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के कारण कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली अच्छी तरीके से, बहुत सारे हॉस्पिटल सब कुछ घुमाया, उपवास किया, प्रार्थनाएं किया, सब कुछ किया। उसको बचाने के लिए उसने क्या किया, अपनी जमीन वगैरह सब कुछ बेचकर डॉक्टरों को दिया, पास्टरों को दिया, उपवास प्रार्थनाएं किया, सब कुछ किया। करने पर भी इस लड़की की स्थिति दिन ब दिन क्या होने लगा, मौत की ओर जाने लगा। उस समय में वो प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरीके से स्वीकार करके बपतिस्मा लेने के लिए भी परमेश्वर उसको अवसर दिए मरने से पहले। मगर ऐसा क्या हुआ जानते हो ना, कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने पर तुरंत उसकी मां के मुंह से निकली बात क्या है जानते हो ना, मेरी बेटी को परमेश्वर ले गए। हेलो, अब उनका परिस्थिति क्या हो जाना है, कलीसिया को भी नहीं आते, प्रार्थना नहीं, आत्मिक विषयों में गुरुत्व नहीं, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर है ही नहीं। अरे, उसकी बेटी उधारी पाई, उसका बेटी है बपतिस्मा लेकर ही मरी, उसकी बेटी आत्मिक रीति से ही जीवन को चलवाने की कोशिश की, आखिरी दम पर भी, मरते दम भी परमेश्वर परमेश्वर कह के, परमेश्वर के ऊपर आधारित होके ही मरी। अरे, मर भी गई, वो परमेश्वर के निकट ही गई ना, कहीं और तो नहीं। उसी माँ के दो और बेटे लोग हैं, वो बेटे लोग अभी भी दारू पी के, अभी भी खराब वराब काम करके, अभी भी इसे जागतिक रीति से चल के जा रहे हैं, उनके बारे में वो चिंतित होकर रो ही नहीं रही है। मगर जो बेटी परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर, परमेश्वर को विश्वास मानकर, परमेश्वर के इच्छाओं के हिसाब से मर कर परमेश्वर के निकट गई, उसके लिए रो कर परमेश्वर से अलग हो रही है। क्या कंसर्न है लोगों की? हेलो, What is that making you concerned? कौन सा ऐसा चीज है तुम्हें गुरुत्व कर रहा है?
ये जो गवाही मैंने बोली बोला था वो माँ जी की क्या हो गया, उनकी हालत, उनका बेटा क्या किया, किसी अन्य जाति के लड़की के साथ शादी भी कर दिया। अब उनका परिस्थिति थोड़ा देखो, उनको अभी परमेश्वर चाहिए नहीं, मगर बाइबल कहता है जो कुछ हमारे जीवन में होता है एवरीथिंग इज फॉर गुड रीजंस, वो सब कुछ भले के लिए होता है, क्योंकि उसके पीछे काम करने वाला कॉन्फिडेंस ही परमेश्वर है। हालेलुया, उसके पीछे परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट कंसर्न पाया हुआ एक व्यक्ति हमारा परमेश्वर है। इसीलिए वो प्लानिंग्स और पर्पसेस जो कुछ भी परमेश्वर मेरे जीवन में रखे हैं, वो मैं परमेश्वर के इच्छा के द्वारा मैं पूर्ण करूंगा। हेलो, उसका 29 एक बार पढ़ के देखो, रोमा के किताब रोमिया 8:29। जिसने पहले से जान लिया है, हाँ ठहराया भी है, उनके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ हाँ इसके बाद हाँ हेलो, वहां पे बताया गया, देखो जिन्होंने परमेश्वर को देखा, फॉर दोस हुम ही फॉरन्यू, उसने क्या किया, उसका रूप दिया, ही कंफर्म हिज इमेज। तो हम क्या बन सके, परमेश्वर का फर्स्ट बॉर्न। हेलो, परमेश्वर का एकमात्र पुत्र बने, एकमात्र बेटा बने, एकमात्र बेटी बने, उस रीति से परमेश्वर सब निर्णय करके रखे हैं। हेलो, इसका अर्थ यह है कि हम उधारी पा गए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा हमारा जीवन को केंद्रित करना जरूरी है। स्टार्ट बीइंग लाइक क्राइस्ट लाइकनेस, वो हर विश्वासी के जीवन में अनिवार्य है। एवरी बिलीवर शुड बी लाइक क्राइस्ट, मसीह के जैसा होना जरूरी है। उसी के साथ गलातियों का किताब 4वां अध्याय उसका 19वां वचन भी पढ़ के देखो, गैलेशियन चैप्टर 4:19, गलातियां 4:19। हेलो, वहां पे बताया गया प्रयोग को देखो, हे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, जब तक तेरे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए। हेलो, तुम्हें परमेश्वर कलीसिया में क्यों योग्यदान दिए, तुम्हें परमेश्वर भाईचारा का योग्यता क्यों दिए, तुम परमेश्वर के इच्छा को क्यों पूरा कर रहे हो, ताकि तुम क्या कर सके, यू कैन बी फॉर्म्ड एज जीसस, तुम यीशु के जैसे बन सकते हो, रूप ले सकते हो। हेलो हेलो, ये कौन कह रहा है, पौलुस कलीसिया को कह रहा है। कि पौलुस क्या कर रहा है, कलीसिया के अंदर के सदस्यों को, कलीसिया के अंदर के भाइयों को, बहनों को क्या कर रहा है, वो मसीह के जैसे बनाने के लिए, मसीह का रूप कल्प लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, लेबर पेन ले रहे हैं, रिसीविंग ए पेन ऑफ लेबर। हेलो, उसके बाद मत्ती लिखित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 21वां वचन, हाँ 7:21, हाँ
हाँ हेलो, खाली प्रभु 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 बोल के रहने जाने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर की इच्छा को भी क्या करो, पूर्ण करने की देखो। प्रभु 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 का अर्थ क्या है? लॉर्ड लॉर्ड, उसका अर्थ क्या है? मालिक मालिक। लो, मालिक 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 कहने से मालिक का संपत्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। मालिक 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 कहने से किसी को संपत्ति मिलेगा? नहीं। मगर मालिक 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 कहने पर संपत्ति मिल सकता है, जब मालिक को, मालिक की पसंद को पहचान कर, मालिक की इच्छाओं को जानकर, मालिक जो चाहता है उन चीज़ों को वो एक व्यक्ति अगर करने की कोशिश करेगा और मालिक को भरोसा लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे जाने पर भी मेरी मालिकपन में रुककर अपना काम नहीं करेगा, मेरी मालिकपन में रुक रुक कर मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा, वो हिस्सा को जब जान जाएगा तब मालिक क्या कर सकता है? किसी को भी कुछ दे सकता है, अपनी संपत्ति भी दे सकता है। हेलो, प्रभु प्रभु बुलाना ही नहीं, प्रभु प्रभु बुलाते वक्त हमें समझ में आना चाहिए वो प्रभु प्रभु की बुलाव में जो प्रभुत्व है, जो अधिकार है, उस अधिकार के श्रेष्ठता को जानकर हमारी इच्छाओं को कुचलकर परमेश्वर की इच्छाओं को सफल करना, वो ही है प्रभु प्रभु बुलाने की मकसद। इसका अर्थ इतना ही है, किलिंग योर विल, तेरी इच्छाओं को मार के प्रभु का इच्छा को स्थापन करना। हेलो, इसके लिए हमें क्या चाहिए? सैक्रिफाइस की जरूरत है, त्याग की जरूरत है, ए मेंटालिटी टू सैक्रिफाइस। हेलो, हमें भाईचारा चाहिए, कलीसिया के अंदर योग्यदान चाहिए, स्वर्गीय योग्यदान चाहिए। क्या चाह रहे हैं परमेश्वर? क्या चाहते हैं? सैक्रिफाइस योर सेल्फ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वो क्या करना चाहिए? सब कुछ को छोड़कर, अपने आप को भी छोड़कर, अपने जीवन की प्रायोरिटियों को भी छोड़कर, श्रेष्ठताओं को भी छोड़कर, लिविंग एवरी प्रायोरिटीज विच इज बाइंडिंग यू अप एंड फॉलोइंग जीसस विथ एन एटीट्यूड ऑफ सैक्रिफाइस। हेलो, त्यागी मनोभाव के साथ परमेश्वर की अनुगमन करना। हेलो, प्रभु प्रभु बोलने पर वो त्यागता कुछ है ही नहीं। हेलो, एक व्यक्ति प्रभु 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 बोलने पर कुछ त्यागता है क्या? कुछ त्यागता नहीं। मगर बाइबल कहने के हिसाब से जब एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रभु मानता है, परमेश्वर मानता है, वो क्या करता है? अपना हिस्साओं को त्याग करता है। ही इज सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग विच ही ओन्ड। जो कोई उसकी थी, जो कोई भी चीज उसके जीवन में बहुत गुरुत्व था, उन चीजों को वो सैक्रिफाइस कर रहा है। किसके लिए? परमेश्वर की प्रभुता के लिए। वो है परमेश्वर की इच्छा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो है परमेश्वर की प्रभुता। सैक्रिफाइसिंग अवर होल लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी को क्या करना है? सैक्रिफाइस, त्याग, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रभुता में बंधे हुए हैं, हम परमेश्वर की प्रभुता में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमें परमेश्वर की प्रभुता ही प्रामुख्य लगी है। इसीलिए हमारी जीवन की जो योग्यता है, श्रेष्ठता है, प्रायोरिटीज, उन सब चीजों को परमेश्वर को देकर, परमेश्वर हमारा प्रायोरिटी।
एक और अर्थ बोलने से त्याग का बुलाओ, कॉल ऑफ सैक्रिफाइस। कॉल फॉर सैक्रिफाइस। हेलो, ए कॉल फॉर सैक्रिफाइस। अभी उसी रोमियो का किताब 8वां अध्याय उसका 15 और 16। हेलो, परमेश्वर को प्रभु प्रभु मानकर बुलाए, परमेश्वर को परमेश्वर परमेश्वर करके बुलाए, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें किसकी किसकी आत्मा नहीं मिली, दास की आत्मा नहीं मिली। फॉर यू डिड नॉट हैव रिसीव ए स्पिरिट ऑफ स्लेवरी लीडिंग टू फियर। हेलो, परमेश्वर तुम्हें तुम प्रभु परमेश्वर को प्रभु प्रभु बोलने के कारण तुम्हारे अंदर ऐसी आत्मा नहीं मिली जो तुम्हें दास दासत्व में खड़ा करता है। और जो व्यक्ति दासत्व में है उसको हरदम भय बना रहता है। किस चीज के बारे में? एक ही चीज के बारे में, कब मुझे मालिक निकाल देगा। When my owner will pluck me off, वही है ना। अगर हम किसी की यहां नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाले का डर क्या रहता है? कौन सा ऐसा काम मैं कर दूंगा ना मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल दे। वो क्या है? स्पिरिट ऑफ स्लेवरी है। कैसी आत्मा है वो? भय की आत्मा देने वाली कैसी स्थिति? कैसी स्थिति? दासत्व की स्थिति। परमेश्वर की प्रभुता हमें दासत्व की स्पिरिट नहीं दिए, दासत्व की आत्मा नहीं दिए, भय की आत्मा नहीं दिए। यहां पे जो फियर बोल के कहा गया है, वो भय का मतलब क्या जानते हो ना? न्याय विधि, जजमेंट ऑफ गॉड। मैंने इसका अर्थ ये नहीं तुम परमेश्वर को प्रभु 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 स्वामी 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 ईश्वर 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 बोलकर तुम्हें परमेश्वर स्वर्गीय योगदान से खींच निकाल देंगे, ये नहीं है उसका अर्थ। हेलो, उसका अर्थ ये नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे परमेश्वर। इसलिए वहां बताया गया, मैं तुम्हें कैसे आत्मा दिया हूं, बट यू हैव रिसीव्ड ए स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। एक बार हाँ पढ़ो, कैसी कैसी? ले पालकपन, एडॉप्शन, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन मतलब, ले पालकपन मतलब जो तुम्हारी चीज है ही नहीं थी, जो चीज तुमसे कोई रिश्ता है ही नहीं था, उस चीज को मेरा बोलकर एक्सेप्ट करना। उदाहरण से, तुम्हें रास्ते पर एक बच्चा मिला, वो बच्चा किसी और का है, मगर मेरा बच्चा का हिसाब से तुम क्या करना? गोद लेना। ए स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, गोद लेना। अब मेरे को बोलो, अब गोद लेने से रिस्क क्या बनता है? हाँ, कभी भी ये बच्चा मेरे विरुद्ध मोड़ सकता है। अरे, अगर किसी को अडॉप्ट करना है क्या करना चाहिए? धन तेरा जितना संपत्ति है पूरा संपत्ति उसके नाम पे कर देना है। हो या नहीं?
किसी को एडॉप्ट करना है तो क्या करना है? तेरा जितना संपत्ति है सब कुछ किसके नाम करना है? जिस बच्चे को तूने गोद लिया उस बच्चे का नाम में कर देना है। उसके बाद उस बच्चे को गोद, उस बच्चे को अपने बच्चे के समान रख सकते हो? हाँ, यही चीज मुश्किल है। उस चीज को लोग करने के लिए तैयार हैं। उस तरीके से परमेश्वर हमें क्या किए, एक्सेप्ट किए, गोद लिए, ताकि हम क्या कर सके, पुत्र कहला सके। हेलो, क्यों परमेश्वर हमें गोद लिए? ताकि हम उसके पुत्र, हम उसके परिवार के अंशी, हम उसके एक एक ही रोटी का अंशी, उसके आत्मा के भागवान। इसलिए हम परमेश्वर को कैसे बुला सकते, अब्बा पिता। हेलो, अब्बा पिता का जो प्रयोग है वो एक बाप बेटे का रिश्ता को कायम दिखाने वाला एक पद प्रयोग है। अब्बा पिता, माय फादर, वो एक रिलेशनशिप को बताता है। हेलो, हो मेरे साथ? अब्बा पिता, इसीलिए हम उसके बच्चे कहला पा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे बोलने का मतलब, हम परमेश्वर के परिवार के अंदर भाइयों का हिस्सा पाने से, पाना ही उतना ही नहीं, मत सोचकर मत छोड़ जाओ। उसके अंदर तुम्हें क्या करना, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, परमेश्वर की प्रभुता को विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर को, परमेश्वर के निकट कैसी आत्मा हमने पाई है, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। अगर परमेश्वर हमें अडॉप्ट किए, हम क्यों दूसरों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? Why can't we adopt others in our church? इसीलिए यीशु मसीह के मां और भाइयां यीशु से मिलने के लिए आते वक्त यीशु मसीह उनको भी प्रचार करके क्या बोल रहे जानते हो ना, अगर तुम भी मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे तो तुम भी मेरे परमेश्वर के फैमिली में योग्यवान वास बन सकते हो। उस चीज को परमेश्वर अपने भाइयों और बेटों को बताकर चिन्ह दिला रहे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा की पूरा करने की कोशिश करो। स्टार्ट डूइंग द विल ऑफ गॉड एंड हैव ए रिलेशनशिप विथ द गॉड। परमेश्वर के साथ एक रिले, एक एक संयम शुरुआत करो, कायम रखो। प्रेज़ लॉर्ड। अब मार्क लिखित सुसमाचार तीसरा अध्याय 31-32, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 3 वर्स 31 एंड 32। हाँ, हाँ, उसके बाद देखो ना, यीशु मसीह वचन की घोषणा केवल अपने चेलों को ही नहीं, अपने मां और भाइयों को भी बता रहा है। क्यों? यीशु मसीह की और यीशु मसीह के भाई के फैमिली में ब्लड एक ही है, जीन एक ही है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो फैमिली ऑफ गॉड में है, वो परमेश्वर के परिवार में है। तेरे पप्पा मम्मी विश्वासी होने के कारण तू विश्वासी नहीं बन सकता। तेरे पप्पा मम्मी बपतिस्मा लेने के कारण तू बपतिस्मा लिया बोलकर नहीं बोल सकता। तेरे पप्पा मम्मी अभिषेक पाए उसका अर्थ तू भी पा गया बोलकर नहीं।
वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, खुद का निर्णय, खुद का विश्वास, खुद का प्रयोग, समझ रहे हो? इसलिए यीशु मसीह अपने पापा, अपने भाई और अपने मां से कह रहे हैं, तुम भी इस फैमिली में ऐड हो। हेलो, अगर यीशु मसीह ये प्रयोग वाले शब्द अगर नहीं बोलते तो क्या होता? कभी भी यीशु मसीह की मां और उसके भाई परमेश्वर के परिवार में भाई बनकर नहीं रुकते, नहीं तो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कायम नहीं बनता। इसलिए यहां पे यीशु मसीह अपने परिवार वालों को ही सुसमाचार बोल रहा है, वचन बोल रहा है। हो सकते हो तुम मेरे शारीरिक तौर पर भाइयां हो, उसका अर्थ ये नहीं तुम परमेश्वर के फैमिली में आ सकते हो। तुम्हें परमेश्वर के फैमिली में आना है, यू शुड चूज एन इंडिविजुअल चॉइस। तुम्हें खुद का एक इंडिविजुअल चॉइस लेना जरूरी है, समझ रहे हो मेरी बात? तुम हर दिन पार्क में आ गए, पार्क में आ गए, इसका अर्थ यह क्या पार्क तुम्हारा है क्या? कितने लोगों का सोच विचार है, मैं कलीसिया जा रहा हूं, कलीसिया जा रहा हूं, ताली बजा रहा हूं, ताली बजा रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, इसका अर्थ मैं कलीसिया का योग्यवान हूं, ऐसा है? कभी नहीं। हेलो, तुम्हें अपने आप, यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ, तुम्हें अपने आप को एक चॉइस के हिसाब से परमेश्वर की ओर देना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह अपने माँ और भाइयों को भी क्या कर रहा है, वचन घोषणा करके बोल रहा है, जैसे ये बैठे हुए लोग परमेश्वर के फैमिली में भाई और माँ बहन बनकर हैं, वैसे तुम भी बनो। वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल कॉल है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, समझ रहे हो? पिछले कुछ दिन पहले एक पास्टर जी एक गवाही बोल रहे थे। वो पास्टर जी अपने बच्चों के बारे में बोल रहे हैं, उनके बच्चे कुछ 6-7-8 साल के हैं, तीन बच्चे हैं, तीनों 6-7 साल। तो उनको किसी ने पूछा, क्या आपके बच्चे लोग मसीह के हैं क्या? वो पास्टर जी हैं। तुरंत पास्टर जी ने क्या बोला, नहीं वो लोग मसीह के हैं नहीं। तो जो जिसने वो सवाल पूछा उसका होश उड़ गया। अरे वो लोग कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे साथ मिलकर खाना खाते हैं, तुम्हारे साथ सब मीटिंगों में जाते, तो उनको क्यों आप मसीह में है बोलकर क्यों नहीं मिला है? तब उन्होंने बोला, अरे वो लोग अभी तक यीशु मसीह को पूरी तरीके से क्या नहीं किए, ग्रहण नहीं किए, यीशु मसीह की इच्छाओं को अभी तक वो लोग पूरा नहीं किए, तो मैं उनको कैसे कलीसिया का योग्यवान कह सकता हूं? तो उनको दूसरा सवाल पूछे, तो वो लोग किस धर्म के लोग हैं, किस चीज के विश्वासी हैं? तुरंत पासवान ने जवाब क्या दिया जाता ना, वो किस धर्म के विश्वासी हैं मुझे भी नहीं मालूम, मैं उनको मसीह के बारे में अभी भी सिखा रहा हूं। जब तक वो अपना चॉइस खुद ना लेंगे तब तक मैं नहीं बोल सकता वो लोग मसीह में हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो, इस बात समझ में आ रही है? चर्च जाने से तुम मसीह में नहीं बन जाओगे, बाइबल पढ़ने से तुम मसीह में मन नहीं बन जाओगे। मसीह में बनने के लिए तुम्हें खुद एक चॉइस लेना पड़ेगा, पर्सनल चॉइस।
उस चीज को यीशु मसीह अपने परिवार के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए परिवार वालों को पूछने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए परिवार वालों को पूछने की जरूरत नहीं है, वो सेकेंडरी केस है। पहला अपना पर्सनल, उसके बाद फैमिली। इसीलिए बहुत सारे यहूदी लोग यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए इच्छा नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग पर्सनली खुद देना नहीं चाहते थे, एज ए ग्रुप मसीह में रहते हैं, समझे ने? इसीलिए यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, यीशु मसीह के निकट चमत्कारी देखने के लिए। वो लोग का सबका मकसद क्या था? मसीह में रुकने के लिए नहीं, बस दिखाने के लिए मैं भी मसीह में हूं। मगर वो लोग मसीह में है नहीं। ऐसी ही थी किन की परिस्थिति? मरियम और उनके बच्चे, उनका भी परिस्थिति ऐसा था। परमेश्वर वो काट के बोल रहे, नो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मसीह के अंदर आना है, मसीह में आना है, तुम्हें मसीह के परमेश्वर के परिवार में आना जरूरी है, वो अनिवार्य है, इट्स ए मस्ट डील। साधारण तरीके से किसी की मम्मी पापा को ऐसे बोलने से वो मम्मी पापा बच्चों को मारने के लिए जाएंगे, मगर इधर देख सकते हैं वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं? 33 तक पढ़ने से कुछ बोलते नहीं है, वो लोग सुन रहे हैं उन बातों को। हेलो, भाइयों का हिस्सा हमें समझने में आना है। जो कोई मसीह में है उन्हीं को भाइयां कह सकते हैं, उन्हीं को बहन कह सकते हैं, उन्हीं को परमेश्वर के परिवार में है बोलकर बोल सकते हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। हो सकते हो तुम रिश्तेदार हो सकते हो सकते हो तुम मसीह के कोई भी हो सकते हो, यीशु मसीह के कोई भी हो सकते हो, इट डजंट मैटर। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह के अनुगमन करते थे, सब मसीह में हैं बोलकर नहीं बोल सकते। जो कोई पूरी तरीके से परमेश्वर के फैमिली में आने की कोशिश किया, परमेश्वर के फैमिली में आना है तो अपने फैमिली वाले तुम्हें छोड़ना है। तेरी फैमिली की प्रायोरिटियां, तेरी फैमिली की श्रेष्ठता है, तुझे छोड़ना पड़ेगा तो ही तू फैमिली। अरे अगर तुम्हें दिल्ली जाना है तो तुम्हारा शहर छोड़ना है ना, तुम्हारा शहर नहीं छोड़ के तुम दिल्ली कैसे जा सकते हो? मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं, तुम्हें दिल्ली जाना है और तुम तुम्हारा शहर नहीं छोड़ोगे, तुम्हें दिल्ली जाना है, कैसे जा सकते हो? जा ही नहीं सकते। तुम बोल सकते हो, हाँ साहब जी मैं तो सपना में जा सकता हूं, सपने में। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं, चर्च में आकर सपने में खोकर मैं भी स्वर्ग में हूं, मैं भी परमेश्वर के साथ रिश्ते में हूं, मैं भी परमेश्वर की कलीसिया का भाई हूं। हेलो, मसीह जीवन स्वप्न नहीं है। मसीह का जीवन ड्रीम्स नहीं है, ड्रीम्स सपने नहीं है। सपने को अपना बनाकर परमेश्वर के साथ रिश्ता रखो। इसीलिए ने परमेश्वर योसेफ को सपना दिया ताकि उनके परिवार को परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रखे। मगर अपने परिवार वालों में से बहुत चंद लोग ही परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रख पाए। मगर यूसेफ को जो ड्रीम्स मिला, जो सपने उसने देखा, उस सपने पर वो कायम था, इसीलिए परमेश्वर को वो चढ़ा नहीं। सपना देखो अच्छी बात है, मगर सपना को कायम करने के लिए परमेश्वर के ऊपर आधारित होना जरूरी है, इट्स ए मस्ट डील। वी शुड बी इन द फैमिली ऑफ गॉड विद द ड्रीम्स यू रिसीव्ड।
with the revision, with the vision which you received, you should be in the family of God, with relationship with God. Parmeshwar ke saath sayam, Parmeshwar ke saath rishta, Parmeshwar ke saath yogyata, Parmeshwar ke parivar ke saath mila, tera zaruri hai. Wo tere darshan mila hua darshan ke dwara, wo tujhe mila hua sapnon ke dwara, wo tujhe mila hua vachanon ke dwara, wo tujhe mila hua kalisya ke dwara, wo tujhe mila bhaichara ke dwara. You should adapt it. तुम्हें उस हिस्सा को बनाने की जरूरत है. हेलो, इसीलिए यीशु मसीह को ग्रहण करना सबके लिए जरूरत वाली चीज है. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं. हेलो, अब पहली कुरिंथियां उसकी नवी अध्याय उसकी पांचवा वचन, फर्स्ट कुरिंथियंस चैप्टर 9 वर्स 5. देखो क्या करना चाहिए. कलीसिया के योग्यदान वाले लोग, कलीसिया के सदस्य लोग, प्रेरित लोग, क्या करना चाहिए? अपने पत्नी को भी कहां लेके जाना है? एक और बार पांचवा वचन. लिए फिरे, यहां पे किसके बारे में बताया गया है? पत्रस और उनकी बीवी के बारे में. वो लोग एक फैमिली बनकर सेवकायों में उधर इधर उधर सब जाते थे. हेलो, वो करेक्ट है या नहीं? हाँ करेक्ट है. पत्रस की बीवी क्या कर रही थी? परमेश्वर को विश्वास कर रही है बोलकर लिखा है ना. तो किसे हम ले सकते हैं? हाँ, जो कोई परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं, विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को क्या करना, सेवकाइयों में भी लेके जाना जरूरी है. कलीसिया में परमेश्वर हमें भाईचारा में रखे क्यों? ताकि हम अपने फैमिली को भी साथ सेवकाई में ले जाएं. समझ रहे हो? अपने फैमिली को भी क्या करना चाहिए, साथ में सेवकाई में ले जाना जरूरी है. क्यों? ताकि उनको भी सीखना है सेवकाई क्या है. हेलो, सेवकाई क्या है? सेवकाई के अंदर की तत्व क्या है? कौन भी सीखना है, विश्वासी स्त्री भी सीखना है, विश्वासी बीवी सीखना जरूरी है. समझ रहे हो मेरी बात? मगर कितने लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि पत्रस ही है कलीसिया का शुरुआत करता. पत्रस है कलीसिया का शुरुआत ही करने वाला व्यक्ति. अरे पत्रस नहीं कलीसिया का शुरुआत करने वाला व्यक्ति. परमेश्वर है कलीसिया का शुरुआत करने वाला व्यक्ति. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी करने की जरूरत ही नहीं. ऐसा नहीं है, शादी करना जरूरी है. वो रोमन कैथोलिक के चर्च विश्वासी लोग क्या बोलते हैं? वो लोग कभी शादी नहीं करते. क्यों? क्यों नहीं करते? वो उनका विश्वास है बोलते हैं. अच्छी बात है, वो तुम्हारा विश्वास हो सकता है, मगर पत्रस शादीशुदा है. अगर कलीसिया के पुरुष शादीशुदा है तो अपने बीवी को भी क्या करना चाहिए? साथ ले जाना है. वही है भाईचारा
इट इज ब्रदरहुड। जो गांव गांव घूम के प्रचार करेगा अपनी बीवी को कभी भी सेवकाई में लेके नहीं जाएगा, तो उसका अर्थ क्या है? तुम उसके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं हो, तुम भी परमेश्वर की सेवकाई में उसे भी योगदान देने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसलिए पौलुस क्या कर रहा है, पत्रस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा है। क्या जानते हो, वो अपने बीवी को भी साथ लेके आया है। सीखो इन चीजों को। ये आज हमारे कलीसियाओं में जरूरत वाली हिस्सा। इसलिए यशुआ क्या कहता है, मैं और मेरा परिवार इस जीवता परमेश्वर की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा करना मतलब इसका अर्थ ये अकेले का हिस्सा नहीं, तुम अकेले परमेश्वर के निकट आए, तुम्हारा फैमिली को भी वो हिस्सा क्या करो, बांटने की कोशिश करो। वो है भाईचारा। आइए आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे वचनों के साथ हम मिलकर भाईचारा के बारे में याद करने के लिए, कलीसिया के बारे में याद करने के लिए हमें सहायता दिया, इसलिए धन्यवाद। हमें कलीसिया के योग्यदान बनकर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें सहायता दीजिए। हमारे अंदर की परमेश्वर जो भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर कीजिए। तेरी वचनों की गहराई से जीवन को काटने के लिए तैयार करने के लिए हमें सहायता दीजिए। प्रति शैतानिक शक्तियों के ऊपर विजयवंत होकर परमेश्वर के साथ वाली रिश्ता को कायम रखने के लिए अब्बा पिता बोलकर एडॉप्शन की स्पिरिट हमने पाई है परमेश्वर, पुत्रत्व की आत्मा हमने पाई है परमेश्वर। उस आत्मा के साथ हम अपने आत्मिक जीवन मसीह में रुक कर खड़ा करने के लिए हमें सहायता दीजिए। जो वचन हमने सुना वो सब कुछ हमारे जीवन में संभव किया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।